की बात कर ले, मिलने की बात कर ले, और सैटनर को, सोडी, यू नेम इट, सबके सब की धुलाई हुई और हर किसी की बारी आई। तो 51 गेंदों पे फैन पूरे पाकिस्तान की तरफ से अपने आप को लकी समझते हैं कि ये बंदा अगेंस्ट हमारे नहीं चला। सूर्य कुमार यादव ने जो आज इनिंग्स खेल दी, साइड पे रख दे, एक लड़की की बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव एक ही आदमी है, सूर्य कुमार यादव, 51 बॉल, नेल्सन यानी ट्रिपल वन। यार आज जो वो इनिंग कंस्ट्रक्ट करके गया है ना, देखो इट वॉजेंट अबाउट 360। सकता इस आदमी ने विकेट के हर तरफ स्ट्रोक खेला है, और श्रेयस अय्यर भी आज अपने गुनाह धो रहे थे। अब लोग आके क्रेडिट ऑफ न्यू मिस्टर 360 तो है, बट ये डायनेमिक्स बदलने जा रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट की। ये सिर्फ 2012 में 60 छक्के मार चुका था, 60 छक्के एक साल में, जो कि मोस्ट बाय। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं करली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। दोस्तों आज का मुकाबला न्यूजीलैंड बनाम इंडिया खेला गया, जिसमें सूर्य कुमार यादव शानदार किस्म की बैटिंग की, और सूर्य कुमार यादव 360 नहीं बल्कि 369 डिग्री का प्लेयर है, जिसे देख पाक मीडिया ने सूर्य कुमार यादव की बहुत तारीफ की। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाक मीडिया ने सूर्य कुमार यादव की कैसे तारीफ की, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। न्यूजीलैंड का और किसी बॉलर को नहीं बख्शा, सऊदी को बात कर ले, फर्गुसन की बात कर ले, मिलने की बात कर ले, और सैटनर को, सोडी, यू नेम इट, सबके सब की धुलाई हुई और हर किसी की बारी आई। तो 51 गेंदों पे 111 रन करके नॉट आउट गया है, और देखिए अपने करियर की दूसरी सेंचुरी इसकी बनी है। पहली सेंचुरी अनफॉर्चुनेटली नहीं जिता पाया था, टोटल बहुत बड़ा था, लेकिन आज इसने बहुत शानदार टोटल पे अपनी टीम को लेके गया है। और पहले तक ये सिर्फ 2012 में 60 छक्के मार चुका था, 60 छक्के एक साल में, जो कि मोस्ट बाय एनी बैट्समैन ऑलरेडी थे। और जी हाँ, है इसको आगे देना चाहिए था सिंगल वगैरह लेके, ये तो हर गेंद पे चौका छक्का मार रहा था, हर गेंद पे चौका छक्का मार रहा था। तो 7 छक्के और मारे हैं जनाब आज इसने, 7 छक्के, 11 चौके, 217 के स्ट्राइक रेट से नो डाउट गया, 51 गेंदों पे 111। तो एक आधी और ऐसी इनिंग्स आ गई तो ये शायद हाईएस्ट जो पॉइंट्स हैं जो डेविड मलान के हैं T20 इंटरनेशनल रैंकिंग के, 913 समथिंग ऐसा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये उसको भी सरपास कर देगा। अब ट्रेवल और अपना इसका स्टैंडर्ड है एक, और आज भी आपने देखे कोई 360 जो बोलते हैं तो एक वजह से बोलते हैं, अगर ऑफ साइड के बाहर वो यॉर्कर करवा रहा है तो उसको शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से खेल रहा है, अगर थोड़ा सा ठप्पा शॉर्ट है तो उसको पॉइंट कवर के ऊपर से मार रहा है, और हल्क लाइन जो है लेग साइड पे है तो उसको फाइन लेग पे मार रहा है, और स्पिनर्स को निकल निकल के कवर के ऊपर से छक्के मार रहा है, सऊदी ने थोड़ा सा पेस चेंज किया तो उसको मिड विकेट पे छक्के मार रहा है, यू नेम इट, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पे छक्के नहीं मार रहा, और व्हाट अ बैट्समैन, और बहुत ही शानदार। अब ये उनको बंदा पूछे ना जाके सिलेक्टर्स को कि भाई अगर तुम जो जो भी उस जमाने में सिलेक्टर्स थे, तुमने इसके 4 साल क्यों जाया। मैं एज अ पाकिस्तानी फैन पूरे पाकिस्तान की तरफ से अपने आप को लकी समझते हैं कि ये बंदा अगेंस्ट हमारे नहीं चला। सूर्य कुमार यादव ने जो आज इनिंग्स खेल दी, साइड पे रख दे, एक लड़की की बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की। वर्ल्ड कप कम था, वर्ल्ड कप के अंदर इतनी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, अब इस सीरीज के अंदर जो उसने आज इनिंग्स खेल दी है ना, जो सेंचुरी उसने मार दी है यार, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस साल के अंदर जो उसकी दो बड़ी सेंचुरीज, एक इंग्लैंड के अंदर जाके इंग्लैंड को अगेंस्ट सेंचुरी करना, और एक आज न्यूजीलैंड के अंदर रह के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी करना, जिसके अंदर टिम साउथी, लोकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने, ईश सोडी, मिचेल सैटनर, सारे के सारे भरे उनके बॉलर से, और उनको जो उसने शॉट्स खेल दिए, ओ भाई मुझे कोई बता दे कि इसको बॉल करनी तो करनी किधर है। लोकी फर्ग्यूसन उसको वाइड यॉर्कर दे रहा है, उसने एक डीप कवर ऐसे छक्का मार दिया, उसको वहां से बॉल गया है, उसके बाद उसको मुंह के ऊपर बॉल दे रहे तो वो रैम शॉट खेल के कीपर के ऊपर से टपा रहा है, उसको टांग पे बॉल दो तो वो लेग का छक्का मार देता है, उसको यॉर्कर के अंदर ह्यूज विन है, ह्यूज विन है, क्योंकि T20 मुकाबलों के अंदर अगर आप 63 रन से किसी भी मुकाबले में जीते हैं, और बाय द वे न्यूजीलैंड इज अ सेमीफाइनलिस्ट टीम, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर इट, अभी ग्लोबल मुकाबलों में टॉप 4 की टीम थी, इंडिया भी टॉप 4 की थी, पाकिस्तान भी टॉप 4 की थी, इंग्लैंड भी टॉप 4 की थी, लेकिन साफ सी बात है सवेरा, दोनों इनिंग्स का जो बेसिक फर्क है ना, वो एक ही आदमी है, सूर्य कुमार यादव,
51 बॉल, नेल्सन यानी ट्रिपल वन। यार आज जो वो इनिंग कंस्ट्रक्ट करके गया ना, देखो इट वॉजेंट अबाउट 360 वो खेलता है, लेकिन आज जो आज बात थी ना कि उसने कंस्ट्रक्ट किस तरह की। देखो सवेरा बड़े प्लेयर का तभी पता चलता है जब आप प्रेशर अब्सॉर्ब करो और प्रेशर को आप ओपोनेंट के खिलाफ ट्रांसफर करो। और सबसे बड़ी अफसोस की बात, अभी आगे चल के बात करेंगे युजवेंद्र चहल की। आज भी मैं अगर सूर्य कुमार यादव की इनिंग की बात करूं एंड द एक्सेलरेशन दैट ही पुट ऑन द बेस्ट, जैसे जैसे वो खेल रहे थे एक तो मजा बहुत आ रहा था देखने में उनको बैटिंग करते हुए, बड़ा मजा आता है भाई। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग हो रही होती है ना, अगर मैं उधर उधर चलते हुए कोई काम भी कर रही होती मैं बैठ जाती थोड़ी देर के लिए, लेट मी जस्ट वॉच हिम। बट जैसे जैसे वो खेलते चले गए, प्रोग्रेस करते चले गए अली, बट सूर्य कुमार यादव प्लेइंग विद पांड्या हैड अ डिफरेंट, एंटायरली अ डिफरेंट इंपैक्ट। वो खेल सबके साथ रहे थे, बारी 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 उन्होंने जिस तरह, लेकिन हार्दिक पांड्या उसमें सिर्फ सवेरा सूर्या का ही लेना देना था ना, बहुत कुछ सोचने को है, लेकिन सवेरा इट वॉज द सूर्य कुमार यादव शो। मतलब यार कमाल, विराट ने उसके बारे में ट्वीट किया, ऐसा लगता है वीडियो गेम, और वो बाकी लगता है कि ही प्लेस लाइक इन अ वीडियो गेम। आप जो हम ईए क्रिकेट और रियल क्रिकेट और फला क्रिकेट और स्टिक क्रिकेट जो हम खेलते हैं ना उसके अंदर अपने वीडियो गेम्स अपने डिवाइसेस के अंदर, एक्चुअल लगता है कि सूर्य कुमार यादव वो फिजिकल फॉर्म में सामने खेल रहा है। और मतलब ही इज क्लास अपार्ट इंडिया में, अपनी 11 में भी जो अपनी उनकी टीम है उससे भी वो बड़ा क्लास अपार्ट दिखता है। Hats off to him, the kind of the courage he shows, the kind of किसी ने कोई डिबेट की कि T20 इंटरनेशनल में भाड़ में गई रैंकिंग जो भी होती हो, रैंकिंग ये रैंकिंग का ड्रामा सिर्फ ICC का है। मतलब कौन सा शॉट है जो सूर्या कुमार यादव नहीं मार सकता, मुझे ये बता दो यार, कौन सा वो शॉट है जो ये आदमी नहीं मार सकता। इस आदमी ने विकेट के हर तरफ स्ट्रोक खेला है, और श्रिया सैयर भी आज अपने गुनाह धो रहे थे। अब लोग आके क्रेडिट लेना शुरू हो जाएंगे, वो एक अलहदा बात है कि यह हमारा है, यह हमारा है, यह हमारा है। ओ भाई, जब यह आदमी खेल रहा था और जब ये न्यूजीलैंड ये वेस्ट इंडीज में मौजूद था, तब मैं कह रहा था कि सूर्या कुमार यादव न्यू मिस्टर 360 तो है, बट ये डायनेमिक्स बदलने जा रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट की। डायनेमिक्स बदलने जा रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट की, और वो अब आपको समझ आ गया कि क्यों, क्या बदलने जा रहा है सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव डायनेमिक्स इसीलिए बदलने जा रहा है कि सूर्या कुमार यादव इतनी इतनी सी बॉलों पे 51 बॉलों पे बड़ी बड़ी सेंचुरियां कर, सूर्या कुमार यादव 225 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, और मॉडर्न डे क्रिकेट का कोई भी स्टेट पैटर ऐसा नहीं खेल सकता T20 में, ना रिजवान खेल सकता है, ना बाबर आजम खेल सकता है, कोई भी नहीं खेल सकता। तो सभी किताबी किंग है, लेकिन इस फॉर्मेट का रियल किंग सूर्या है। और जब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने पर्थ की मुश्किल विकेट पे वो जो इनिंग खेली, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती थी, और आज इसने बे ओवल में जो है वो अंडे फाड़ दिए। ओवल कहते हैं अंडे को, लेकिन आप देखें क्या कारकर्दगी थी इस इंसान की, क्या प्रदर्शन था इस इंसान का बे ओवल में। तो भाई अब क्या, अब कौन मैच करेगा इससे, मुझे वो आदमी ला के दे दो जो मैच कर सके, ठीक है। तो दोस्तों, सूर्य कुमार की इस पारी ने सूर्य कुमार यादव को ICC की T20 रैंकिंग में नंबर वन की जगह और भी पक्की कर दी, और सूर्य कुमार यादव अगर ऐसे ही खेलते रहे और एक सेंचुरी और सूर्य कुमार यादव ने लगा दी, तो सूर्य कुमार यादव डेविड मलान का जो हाईएस्ट ICC रैंकिंग का रिकॉर्ड है जो है 904, उस रिकॉर्ड को भी सूर्य कुमार यादव तोड़ देंगे। और ऐसे ही खेलते रहे तो सूर्य कुमार यादव एबी डिविलियर्स से भी अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, वो भी 360 डिग्री से भी ऊपर बन के। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की इस इनिंग में जिस तरह के सूर्य कुमार यादव ने शॉट लगाए, ऐसे शॉट तो कहीं पे भी नहीं है, और ऐसे शॉट को बैट्समैन बल्लेबाज खेल ही नहीं सकता। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसे बैट्समैन क्यों नहीं आते। और पाक मीडिया ने यह भी कहा कि सूर्य कुमार यादव को 4 साल तक किसलिए नहीं खिलाया गया इंडियन टीम में, उस 4 साल में जो सूर्य कुमार यादव खेलते तो टीम इंडिया और आज कुछ और ही मुकाम पे होती। और पाक मीडिया का यह कहना है कि सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन हमने आज तक नहीं देखा, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव खेलते हैं और उनका खेलने का तरीका है, जिसे देख पाक मीडिया सूर्य कुमार यादव का दीवाना हो गया।